हिमाचल प्रदेश के शिमला जिला के 412 मेगावाट की रामपुर परियोजना और 1500 मेगावाट की नाथपा झाखड़ी परियोजना के ठेका मजदूर 21 फरवरी से विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। आंदोलनकारियों का कहना है कि फिलहाल वे सांकेतिक प्रदर्शन कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि अगर उनकी समस्याओं को नहीं सुलझाया जाता तो वे उग्र आंदोलन करने पर मजबूर होंगे। मजदूरों ने बताया कि 9 मार्च को हिमाचल विधानसभा घेराव के लिए दोनों परियोजनाओं से भी सैकड़ों मजदूर शिमला पहुंचेंगे। मजदूरों ने प्रमुख मांग उठाई है कि एसजेवीएन में 72 स्थायी नौकरी के लिए रिक्तियां निकाली गई हैं, जिनमें हिमपेस्को और उत्तराखंड के एक संगठन को आयु सीमा में छूट दी गई है, जबकि लंबे समय से एसजेवीएन की परियोजनाओं का कार्य कर रहे ठेका मजदूरों को कोई छूट नहीं दी गई है। उनका कहना है कि उन्हें भी छूट दी जाए। सीटू के राज्य उपाध्यक्ष बिहारी सेवगी ने बताया कि एसजेवीएनएल में जो आउटसोर्स कर्मचारी कार्य कर रहे हैं उनके लिए सरकार पॉलिसी बनाए, इसलिए वे 9 मार्च को विधानसभा का घेराव करेंगे। बार हमारा 9 तारीख को धरना है आउटसोर्स कर्मचारी का, तो हम प्रदेश सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि हमारा भी जो है उसमें नीति बनाए, जो सतलुज जल निगम में मजदूर काम करता उसके लिए, ये हमारा उसके डिमांड है कि वे उसमें नीति बनाए। कि हम ठेका मजदूर यूनियन जो यहाँ से जब यहाँ पर वर्ष 2010 से लगभग 10-12 सालों से कंटिन्यू मेंटेनेंस वर्क में काम कर रहे हैं, ऐसी कोई फील्ड नहीं है जिस वर्क को ठेका मजदूर नहीं कर रहा है। इसी के चलते अभी ठेका जो CMD साहब ने एक कॉपरेट ऑफिस से 72 पोस्टों की एक भर्तियां निकाली हैं, जिसमें ठेका मजदूर में जितना भी लगा है साथी, इसके लिए कोई रिलैक्सेशन नहीं है, जबकि वहीं हिम पैसों के लिए 55 साल की रिलैक्सेशन मिली है, और जबकि काम सबसे ज़्यादा यहाँ पर ठेका मजदूर कर रहा है। तो हमारी मैनेजमेंट से यही मांग है कि जब हम सारा काम यहाँ पर कंधे से कंधे मिला के कर रहे हैं तो क्यों मैनेजमेंट हम लोगों को रिलैक्सेशन नहीं दे रही है, जिसके चलते हम पिछले 21 तारीख से धरने प्रदर्शन पर निरंतर जारी है। और हम मैनेजमेंट से भी ये अपील कर रहे हैं कि आप इसमें मीटिंग बुलाए, रास्ता निकाले, अलबत्ता ये जो हमारा आंदोलन है थमने वाला नहीं है। और उसी के साथ साथ हमने CMD साहब को 3 जनवरी को एक मांग पत्र सौंपा था, जिसमें हमारी 3 मांगे प्रमुखता से थी। इसमें एक हमारी ग्रुप इंश्योरेंस थी, आज अगर वर्कर हमारा काम कर रहा है, अगर कभी भी कुछ भी डेथ हो जाती है, कुछ भी हो जाता है, तो मजदूरों को कुछ भी बेनिफिट नहीं है। तो हम मैनेजमेंट को चाहते हैं कि उसमें ग्रुप इंश्योरेंस का कुछ इंश्योर करें। और उसके साथ हमारी दूसरी मांग ये थी कि ऐसा ही एक पार्ट हमारे साथ हिमपेस्को है, जो एक एक्स सर्विसमैन का कॉरपोरेशन थी, लेकिन आज उसमें ज़्यादा सिविल साइड से भर्ती हो रहे हैं। तो जैसे ठेका मजदूर उनको एक्स्ट्रा पैसा, एक्स्ट्रा हमारे से डबल पेमेंट मिल रही, वैसी हमें भी मिलनी चाहिए। और तीसरी हमारी ये थी कि एस यूनियन हमें प्रमुखता किसी भी पॉलिसी मैटर में हमें साथ में जुड़े।